सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता सोनी एक बार फिर से जी मेरे न्यू ब्लॉग में मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ जी। तो गाइज मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर और ये रहा मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग। और मैं अभी बस में बैठ चुकी हूँ क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है, तो मैं हूँ फ्रंट सीट पर। तो ये चल पड़ी यहाँ से न्यू बस स्टैंड से बस जी, क्योंकि आजकल ना बस जाती है वाए वर्कशॉप होके, क्योंकि आगे से बस नहीं जाती है क्योंकि वहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा रश है और आजकल बंदी है वहाँ से किया हुआ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे का बाज़ार कि भाई बाज़ार में किस तरह की दुकानें सजी हैं, सामान दिखिए आप। और ये वाली जो गली आपको दिखाई पड़ रही है ना, इस वाली गली में ना नीरा ही लोहे का सामान मिलेगा आपको, मतलब जो भी आता है सारा सामान मिलेगा। क्योंकि हमने देखा था ना पैदल वॉक करके, तो ये देखिएगा इस भर भर के दुकानें हैं जी। तो मैं कर रही हूँ कैप्चर रस से। तो ये देखिए जी यहाँ पे नीचे को लवी ग्राउंड भी दिखाई पड़ रहा है। और अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग आठ बंगला में। पहाड़ बंगला से थोड़ा पीछे हैं अभी, क्योंकि पहाड़ बंगला से आगे होके तो जाती नहीं है गाड़ियाँ, क्योंकि ऊपर होके ही जा रही है। नीचे से तो रश इतना ज़्यादा, दुकानों का लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि वहाँ से तो ट्रैफिक आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये देखिए गाइस यहाँ से जा रहा है, अभी हम पहाड़ बंगला में पहुँच गए हैं। तो ये देखिए ऊपर वाले रोड में हम जा रहे हैं, क्योंकि ये निकलता है आगे रामपुर से जो ओल्ड बस स्टैंड है उसके पीछे, यहाँ के लिए निकलता है ये रोड। तो ये देखिएगा इस भर भर के दुकानें हैं। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे आगे। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँचे हैं इधर वजीर बॉडी के पास, क्योंकि यहाँ से एक रोड जाता है निर्मण की तरफ जहाँ से बस गई, और दूसरा जो आगे को है ये है जी शिमला की तरफ। तो हम लोगों ने जाना है सीधे शिमला की तरफ रोड में। तो ठीक है गाइज़ मिलूँगी मैं आपसे आगे। तो आगे थोड़े टाइम बाद आ जाएगा नोगड़ी। ठीक है गाइज़,
तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं इधर सहेज में। तो यहाँ भी चौक है और हम लोगों ने जाना है यहाँ से जो अन्नी के लिए रोड है उस वाले रोड में, और जो सीधा रोड है आगे के लिए वो जाता है शिमला की तरफ। तो ये देखिए गाइस जहाँ से बस मुड़ रही है ये सीधा रोड आने के लिए है। तो क्या है कि मैंने ना पूरा वीडियो म्यूट किया है, इसमें शोर शराबा इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसके आगे कुछ भी कैप्चर नहीं किया है। ये है जी लूरी। तो अभी हम लोग पहुँचे लूरी में, लूरी से आगे मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि फिर मुझे आगे जाके नगान में उतरना भी था और मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर उसके बाद मैं कर ही नहीं पाई कुछ भी। तो फिर मुझे जाके ब्लॉग का एंड भी करना है। तो ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। और मुझे जाके सीधे पहुंचना है अब शुआड़ में। तो ये देखिए गाइज मैं पहुंच गई हूँ शुआड़ में। तो ठीक है गाइज, मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।